विधायक रामेश्वर शर्मा ने राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के आर्टिकल 370 और अयोध्या में राम मंदिर पर सवाल उठाने पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का जन्म ही घोटाले में हुआ है। दिग्विजय हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर है, उनकी अब हिंदुओं में फूट डालो और शासन करो की नीति नहीं चलेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या दिग्विजय ने जब राम मंदिर के ताले खुले तब खुशी जाहिर की, जब बाबरी ढांचा ढहा तब उन्होंने फूल नहीं फेंके, मंदिर निर्माण में खुशी जाहिर नहीं की। शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह, सपा बसपा, आप और कांग्रेस, ये हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटेंगे, हिंदुओं में ये मतभेद पैदा करते हैं। शर्मा ने कहा, अयोध्या में मंदिर के लिए हिंदुओं ने 450 साल तक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अयोध्या घोटाले पर जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोगों ने वहां प्रॉपर्टी दान में दी है, कुछ लोगों ने अनुबंध पर और कुछ लोगों ने कीमत पर। उन्होंने कहा, हिसाब मांगना है तो राजीव गांधी न्यास का हिसाब क्यों नहीं मांगते, जिसे दशकों से कांग्रेस चाट रही है। दिग्विजय सिंह जी का जन्म ही घोटाले में। दिग्विजय सिंह जी ने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताले खुले तब खुशी जाहिर की क्या? दिग्विजय सिंह ने जब कार सेवकों ने 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ध्वस्त किया तब दिग्विजय सिंह ने माला और फूल फेंके क्या? जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का अवसर आया तो तब दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा था तारीख गलत है? ये दिग्विजय सिंह, सपा बसपा, आप और कांग्रेस, ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर है, ये ध्यान रखिए। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू जब एक होगा तो ये जाति के नाम पर संघर्ष करेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू जब हिंदुस्तान के स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा तो हिंदुओं में ये मतभेद करेंगे। तो इनने तो जब तिथि बनी तो भी मतभेद किया। इनको ये नहीं मालूम था कि राम जन्मभूमि का लड़ाई हमने लगभग 450 साल तक लड़ाई को लड़ी, न्यायालय में कांग्रेस पंडित नेहरू से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल तक लड़ाई लड़ी। केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिनने इसका न्याय दिलवाया और हिंदुओं को जमीन सौंपी। वहां मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी हमको परचेज करनी थी। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी हमको वहां दान में भी दी है, कुछ लोगों ने हमको प्रॉपर्टी पुराने अनुबंधों पर दी है, कुछ लोगों ने तत्कालिक अनुबंधों पर दी है, कुछ लोगों ने कहा भैया चाहे राम मंदिर के लिए लो चाहे किसी काम के लिए, पैसे तो हम दुगने ही लेंगे। हम नहीं चाहते थे कि तुरंत हम कोर्ट की लड़ाई लड़े। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।